प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत थे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा बल के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। पीएम मोदी सरदार पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पीएम ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अभी नर्मदा जिले के केवड़िया में हैं। उनके गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने शुक्रवार को गुजरात में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दौरे की शुरुआत आरोग्य वन से की थी। उन्होंने वन का उद्घाटन किया। यह करीब 17 एकड़ में फैला है, जहां अलग अलग औषधियां लगाई गई हैं। इनमें करीब 5 लाख से अधिक औषधियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां गोल्फ कार्ट में बैठे पूरे वन का चक्कर लगाया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।